दोस्तों ये है इंट्रेंस यानी ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पे देखिए लहर नहीं है उतना कुछ खास। तो यही है यहाँ का एक रेलवे स्टेशन, टूटा फूटा सा, जो कि चक्रवर्ती अंतिम रेलवे स्टेशन भी है इंडिया का। इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम तमिलनाडु। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। दोस्तों अभी हमें रामेश्वरम में, और आज हम रामेश्वरम घूमने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि रामेश्वरम में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रेलवे मार्ग से है ना, या फिर बस से। तो आपको सबसे पहले, अगर आप ट्रेन से कहीं से भी आ रहे हैं, तो फिलहाल जो है पंबन ब्रिज क्लोज है। आप जिस महीने में आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता होगा, अगर पंबन ब्रिज चालू होगा आप देख लीजिएगा नेट पे, तो आप रामेश्वरम के लिए टिकट कीजिए जहाँ से भी। अगर मदुरई आ रहे हैं तो मदुरई से रामेश्वरम करेंगे, अदरवाइज़ अगर पंबन ब्रिज चालू नहीं है रेलवे जो रूट है, तो आपको आना होगा लास्ट मंडपम तक कैसे भी करके। मंडपम आने के बाद मंडपम से आप ले लीजिए बस, ऑटो बहुत महंगा पड़ेगा, लगभग 500 रुपये पर पर्सन का पड़ता है, जो कि अप्रॉक्स 23-24 किलोमीटर ही पड़ता है। तो आप मंडपम से बस ले लीजिए और यहाँ पर आ जाएंगे आप, है ना, रामेश्वरम। दोस्तों ये है इंट्रेंस यानी ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए, ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाने के लिए ये मेन इंट्रेंस है। यहाँ से सामने आप जो देख रहे हैं, और सामने का जो है ना वो समुद्र एरिया है, जहाँ पे आपको जाके स्नान करना होगा, है ना। और स्नान करने के बाद से चलिए हम चलते हैं, पहले समुद्र साइड में आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा नज़ारा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं समुद्र एरिया के पास में, है ना, जहाँ पे हमें स्नान करना है। और वैसे यहाँ पे जो है रोड आप देख सकते हैं भाई, रोड कैसा, तो ऐसा भी रोड है यहाँ पे। फिलहाल क्या है, बारिश हो रखी है यहाँ पे, और अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी तो हो ही रहा है। तो ये देखिए ये समुद्र है, ठीक है, मैं और नीचे चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बाबा जी जो है पूजा कर रहे हैं, देखिए ये समुद्र है, सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आपको नहाना होगा, यहाँ पे नहाना होगा, और जिस भी कपड़े में चाहे नहा सकते हैं, जैसे कि अगर जेंट्स है, बच्चे हैं या जेंट्स है, तो अंडरवियर में नहा सकते हैं, बाकी कपड़े बाहर आकर पहन ले। वही कपड़े के साथ वो 22 कुंड को नहाने जाएंगे, जैसा कि आप आगे देखेंगे। लेडीज़ हैं तो जिसमें नहाना है साड़ी सूट नहाएं, और उसी कपड़े में वो 22 कुंड के लिए जाएँ। और एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ना समुद्र में दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए लहर नहीं है उतना कुछ खास, लहर आपको नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, समुद्र में लहर ना होना बहुत शांत है, क्योंकि समुद्र देवता द्वारा ये खुद ही कहा गया कि हम बहुत शांत रहेंगे। यहाँ पे राम जी ने पूजा करा था, या फिर यहाँ पे राम सेतु बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 कुंड का रास्ता है, आगे से जाएंगे आप, ठीक है, नहाने के बाद से पिछले रास्ते से निकल जाएंगे। तो दोस्तों हम भी लग चुके थे लाइन में, और सामने आपको दिख रहा है 22 कुंड का मुख्य द्वार। मैं आपको बताता चलूं कि 22 कुंड जो है दोस्तों, भारत में 22 तीर्थ स्थल हैं, उसी का ये पानी है, और यहाँ इसका चार्ज जो है 25 रुपये लगता है कुंड में नहाने का। अंदर की नक्काशी को हम निहारते रहे, देखते रहे, इतना खूबसूरत साउथ में ही वैसे देखने को मिलता है मंदिरों में। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, बढ़ने के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके थे अपने पहले कुंड की तरफ, और पहले कुंड में अन्ना जो थे छोटी बाल्टी को कुंड में डालते और कुंड से पानी निकालते, और सभी श्रद्धालु भी बराबर ऊपर की तरफ से बौछार करते पानी का बाल्टी के साथ ही, है ना। और धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ते गए, उसके साथ हम दूसरे कुंड पे पहुँचे, और सेम प्रोसेस वहाँ पे भी हुआ। अन्ना बोलते हैं सब लोग साइड में आ जाइए, जिस पे सभी श्रद्धालु पे बराबर पानी जो है बाल्टी के द्वारा जो है फेंका जा सके। ऐसे करके दोस्तों पानी ही डालते हैं, और डालने के बाद से हम धीरे धीरे पहुँच जाते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे कर करके हम पहुँच जाते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं नौवां, दसवां, ग्यारहवां कुंड, और इसी के साथ दोस्तों 22 कुंड में हम पूरा नहाते हैं। डेढ़ घंटे का लगता है, 1.5 घंटे टाइम लगते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप कुछ लोग कपड़े बदलते हैं, कुछ लोग कपड़े यहाँ छोड़ भी देते हैं, वैसे पता नहीं क्या प्रचलन है, ये तो हमें नहीं पता। और इसी के साथ अगर आपका रूम नहीं ले रखा है, होटल नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपको कपड़े बदलने का भी पूरा जो है एरिया मिलेगा, आप कपड़े बदलिए आराम से और जाइए, है ना।
और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको इस द्वार से, अगर आपने होटल रूम ले रखा है तो इस द्वार से बाहर निकलेंगे। नॉर्मल तौर पे सभी को बाहर निकलना है क्योंकि इंट्रेंस का अलग से रास्ता है मंदिर के लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है मंदिर का मुख्य भाग, मंदिर का ऊपरी सिरा। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे की तरफ। जब दर्शन के लिए आप आएंगे तो दोस्तों ये रूट से आप आएंगे, देखिए ये रूट से लोग जा रहे हैं, है ना, अब ये रूट है, तो यहाँ से आप दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों हम भी प्रवेश कर चुके थे उस द्वार से ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए, साथ ही हमने अंदर देखा इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने खूबसूरत नक्काशी और साथ ही साथ छत पे भगवान जी का फोटो, बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। आगे बढ़ते गए, कॉरिडोर मिला जिसमें एक साथ लगभग 10,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। आगे धीरे धीरे हम बढ़ते गए और आगे जाने के बाद दोस्तों हमें लाइन में एक जगह खड़ा होना पड़ा। छत पे देखा तो श्री कृष्ण जी मुझे देख रहे थे, हम श्री कृष्ण जी को, और एक बार फिर से जो है हम उनका दर्शन किए और फिर से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों लाइन जो है एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरे से तीसरे, यानी रो बाई रो हम आगे बढ़ते गए और ऐसा करते करते हम पहुँच गए ज्योतिर्लिंग के पास में। चूँकि वहाँ मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, आप फ़ोटो नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने एक झांकी देखी, झांकी में दोस्तों आप देख सकते हैं रामेश्वरम मंदिर में बाबा भोलेनाथ का झांकी है, ये जा रहा था, तो आप भी दर्शन कर लें। और उसके बाद से सामने आप देख सकते हैं वो है गर्भगृह जो कि एरो पे दिख रहा है। तो ये था दोस्तों रामेश्वरम मंदिर का नज़ारा, ये था हमारा दर्शन। तो ये था आपका दोस्तों रामेश्वरम मंदिर का क्लिप, और यहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ बता दी। आपको अगर आप मदुरई आते हैं तो मदुरई से आपको फिलहाल, क्योंकि पम्बन ब्रिज क्लोज है, तो फिलहाल आपको आना होगा मंडपम, है ना। मंडपम का नाम मिले तो रामनाथपुरम भी आ सकते हैं रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से आपको बस मिलेगा। ध्यान रखिएगा ऑटो का चक्कर नहीं पालिएगा फ्रेंड्स, बहुत महंगा होता है। 2 किलोमीटर के लिए भी ये लोग पर पर्सन 100 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है, हम आ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे रहने का कॉस्ट पर पर्सन का अप्रॉक्स मान के चलिए तो वो पड़ेगा 2,000 के आसपास। तो रामेश्वर मंदिर के बाद दोस्तों हम आगे निकल चुके थे अब धनुषकोड़ी की तरफ। दोस्तों रामेश्वर मंदिर से जो 5-6 पॉइंट पड़ते हैं, इनको घूमने के लिए दोस्तों ऑटो वाले ने 200 रुपये पर पर्सन का चार्ज किया। हम लोगों ने 800 रुपये में ऑटो को बुक किया, सारा पॉइंट को घूमा। बारिश भी पीछे पीछे साथ ही थी क्योंकि मानसून जो खत्म हो रहा था, और साथ ही हमारा मजाक जो ऑटो वाले के साथ था। अगर हम डूबती तो तुम हमको बचा लेती। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं धनुषकोड़ी, जो कि रामेश्वरम मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे हम ऑटो से आए हैं। पर पर्सन 200 रुपीज़ लगता है, 200 से 250 रुपीज़, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लहरें, देखिए कितनी तेज़ है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए हमारे फ्रेंड्स है कुछ, और ये रहा पॉइंट जो कि आप देखते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो पॉइंट है। और बारिश बहुत आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे सिटी मारते हुए, और यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ अलाउ नहीं है, उस साइड जाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। तो भाई ये है धनुषकोड़ी का पॉइंट, और इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये भारत का एकमात्र जो है लास्ट धनुषकोड़ी लास्ट जो है ना लैंड है ना, इसके बाद से श्रीलंका, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर केवल पड़ता है, 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये धनुषकोड़ी का एक व्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आए पड़े हैं यहाँ से, बहुत सारे राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, है ना। ये देखिए अब आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों राम सेतु का मेन पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं पानी वानी लग गया, मैं इधर आ जाता हूँ अभी। और ये है आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये राम सेतु, आप देखिए वहाँ से वहाँ तक है, यही वो पॉइंट है राम सेतु। और आगे जो है ना ये कंटिन्यू हुआ है उस साइड को, इस साइड से शायद उस साइड को हो रहा है,
तो ये सैंड है और यही कंटिन्यू हुआ, तो ये राम सेतु है। बाकी मेन जो राम सेतु है वो अंडर द वाटर है, मतलब पानी के नीचे हो गया, तो वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है वैसे। और आप देखिए उधर लहर कम है, मैं उधर भी चलूँगा अभी थोड़ी देर में। तो अच्छा था ये ही है। और मैं आपको बता दूँ ना, वैसे ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करती है ना, और इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं वैसे। और आ एक चीज़ देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं इस पॉइंट पे। आप देखिए ये पॉइंट देखिए, आप देखिए इधर समुद्र शांत है, ये देखिए आप समुद्र शांत है, ठीक है। दूसरे साइड भी, दूसरे साइड भी शांत है, उधर आप देखेंगे शांत है ना, लेकिन इधर जो है ज़्यादा अग्रेसिव है। और जहाँ तक मुझे पता है कि राम सेतु दिस पॉइंट वो सीधा, ये सीधा ऐसे जाती है ना, वो जाती है श्रीलंका के लिए। तो यही था धनुषकोडी है ना, और सब लोग यहाँ पे फोटो सेशन करा रहे हैं। तो धनुषकोडी ऑटो से आएंगे आप, 250 रुपये लेगा पर पर्सन का, यहाँ पे छोड़ेगा। चलिए फिलहाल जो है वन बाई वन जो है आपको पूरा रामेश्वरम का टूर इस वीडियो में मिलने वाला है ना। और अभी तक हमने दो पॉइंट को कवर कर लिया, जिसमें हमारे मेन ज्योतिर्लिंग और धनुषकोडी है, और उसके बाद से जो है 2-4 पॉइंट और है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो फिलहाल जो है आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं आप दोस्तों। ये है, वैसे मैं आपको बता दूं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन में, कि हमारे पीछे जो देख रहे हैं ना वो है हिंद महासागर। और दिस इज़ जो साइड देखिए, देखिए इतना शांत है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट अ मिनट। ये देखिए है ना, ये है बंगाल की खाड़ी, आप देख सकते हैं बीच में ज्वाइंट हो रही है हिंद महासागर, ये है जिसमें लहरें आपको तेज़ दिख रही हैं, शांत है थोड़ा सा, ये है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पे, और आपको मैं बता दूं कि 1964 में एक साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाया था, रेलवे स्टेशन तबाह हो गया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी सब के सब तबाह हो गए थे। और मैं अभी हूँ, आपको दिख रहा होगा ये वही रेलवे स्टेशन है, आपको पीछे ये देखिए आप, ये रेलवे स्टेशन है और सब कुछ फिनिश है, ये सब रेलवे स्टेशन है। और उसके बाद सरकार ने ये डेवलप भी नहीं कर पाए, बाद में कोई नीड नहीं पड़ी, नहीं तो वरना हम ये देखिए डायरेक्ट जो है हम रेलवे स्टेशन पे ही आते हैं। तो ये था, दिस वन इज रेलवे स्टेशन है ना, ये सीधे जाता था ऐसे और इस साइड को। अच्छा है भाई, देखो सब पुरानी चीज़ें हैं, पटरी निकल गया, अभी पटरी में वाला पट्टी के अंदर आ गया, हाँ आगे मिट्टी के अंदर हो गया है, हाँ। तो भाई देखिए ये बता रहे थे कि ये मदुरई से आता था यहाँ से रेलगाड़ी, और जो ये पत्थर देख रहे हैं ना, यही ट्रैक हुआ करता था इस पर, हाँ। और ये इंदिरा पॉइंट यानी धनुषकोडी लास्ट था। और आप आगे देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आप सामने देख रहे हैं मेरे हाथ के सीधे में, वहाँ बोट अभी भी लगी पड़ी है। तो आते थे लोग और यहाँ से श्रीलंका जाते थे, तो यहाँ का इतिहास ये बता रहे हैं। 1964 में दोस्तों चक्रवात के कारण सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। ये बहुत इतिहास में, खैर इसको याद करना चाहिए, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, रमाए तो सोचे कि अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि धनुषकोडी के बारे में कोई बता रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी राइट रॉन्ग हो सकता हूँ मैं, बट ठीक है। तो यही है यहाँ का एक रेलवे स्टेशन, टूटा फूटा सा, जो कि चक्रवात के कारण ख़त्म हो गया, और एक तरीके से कह सकते हैं भाई कि ये अंतिम रेलवे स्टेशन भी है इंडिया का, जो कि चलता नहीं है लेकिन रेलवे स्टेशन था। अभी तो रामेश्वरम है, 27 किलोमीटर का ब्रिज बना था उसमें, अच्छा अभी 14 किलोमीटर है ना। तो भाई देखिए ये है, हम इस पॉइंट पे थे, टू दिस इंडिया, ये श्रीलंका का है, ये धनुषकोडी, हम इस पॉइंट पे थे। और यहाँ से आप देख रहे हैं, ये अभी भी आप जो है ना इस वाले पॉइंट को आप सेटेलाइट से देख सकते हैं। तो एक साइड में इंडियन ओशियन, दूसरे साइड में बंगाल और मन्नार की खाड़ी, जो कि अलग करती है। और श्रीलंका साइड से ना ये थल मन्नार, देखिए है ना मन्नार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है भारत और श्रीलंका के पॉइंट को, इसलिए। और यहाँ पे ये देखिए, ये धनुषकोडी का जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ से शिप जाती थी, इधर भी, हाँ, और इधर भी शिप है, वही वो जाती, वही बता रहे थे। ये सारी पॉइंटें हैं, और यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट जो है श्री राम जी का। और देखिए हादसा कुछ जब आया था, साइक्लोन आया था, तो कुछ ऐसी पॉइंट हमको जो है देखने को मिली, और शायद आपने देखा भी नहीं होगा, 1964 की बात है ये वैसे। ये देखिए इसमें ओरिजिनल मोती यहाँ पे लगा पड़ा है, ये देखिए आप है ना, ऐसे ऐसे ही अगर बड़े बड़े ना आपको समुद्र में मिल जाए कहीं पर,
ऐसे अगर बड़े बड़े समुद्र में मिल जाए भाई साहब, इसमें मोती मिल जाए अपने को ओरिजिनल। तो भाई अभी हम आ चुके हैं विभीषण मंदिर, सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये विभीषण मंदिर है और जो कि धनुष कोड़ी वाले रोड पे ही है। जैसे आप आएंगे वापस तो बीच में ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ये आपका इसका मुख्य द्वार है एंट्रेंस के लिए। तो चलिए हम चलते हैं दर्शन करने। दोस्तों वैसे तो हम विभीषण मंदिर घूम आए, और बता दूं कि लड़ाई से पहले, श्रीलंका पे चढ़ाई चढ़ने से पहले ही, जब विभीषण जी यहाँ पे आए थे राम जी से मिलने, तभी राम जी ने यहीं पे जो है इनका राज्याभिषेक कर दिया, है ना। वही ये मंदिर है, और दूसरा राज्याभिषेक जो है उनका हुआ था वो श्रीलंका में। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो हमारा जो जर्नी है जो कि पंचमुखी ये है, वो सारा कुछ फ़ोटो के माध्यम से बता देंगे और आप भी आके घूम सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है ए टू जेड। पर पर्सन का ना 2000 रुपये मान के चलिए खर्चा, यहाँ पे रहने का, खाने का 2 से 3 मान लीजिए, मैक्सिमम 3। और यहाँ पे देखिए पानी, नारियल पानी जो है कितने बड़े मात्रा में जो है लोग आके पी रहे हैं। आज यहाँ पे ब्लॉग को फिनिश करते हैं ना।